गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7. सो यू ओपन योर साइंस बुक, लेट अस स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर, एनिमल्स एंड देयर बेबीज. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और उनके बेबीज के बारे में देखेंगे कि उनके क्या नेम होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स एंड देयर बेबीज, विभिन्न प्रकार के पशुओं और उनके बच्चे के बारे में. ऑल एनिमल्स हैव बेबीज, सभी पशुओं के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं कि नहीं. दे लव देयर बेबीज एंड टेक केयर ऑफ देम, वे अपने बेबीज को, जितने भी एनिमल्स होते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उनकी केयर करते हैं. जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से एनिमल्स भी अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स एंड देयर बेबीज, अब हम विभिन्न प्रकार के पशुओं और उनके बच्चों को देखेंगे. सम एनिमल्स बेबीज हैव स्पेशल नेम, कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके बेबीज के एक स्पेशल नेम होते हैं. सम ऑफ द एनिमल्स बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स, आपने कुछ एनिमल्स के बेबीज को भी देखा होगा जो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर के आसपास बफेलो को देखा होगा, बफेलो का बेबी बफेलो की तरह दिखता है. इसी तरह काउ के बेबी को हम कफ कहते हैं, वो बिल्कुल काउ की तरह दिखाई देता है कि नहीं. गोट का बेबी, उसे हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है, किड. गोट के बेबी को हम क्या कहते हैं, किड. वो भी अपने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह दिखता है कि नहीं. ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप अपने घर में या अपने घर के आसपास आसानी से देख सकते हैं. देखिए एंड लॉयन के बेबी को क्या कहते हैं, कब. फिर से देखिए, लॉयन के बेबी को क्या कहते हैं, कब. ये काऊ है, काऊ के बेबी को कफ, गोट के बेबी को किड, और ये कैट है, कैट के बेबी को किटन, डॉग के बेबी को क्या कहा जाता है, पपी, आपने सुना होगा, शिप के बेबी को लैम. दीज बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स, ये ऐसे बेबीज हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं कि नहीं. सम एनिमल्स बेबीज डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स बेबीज होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी पशुओं के बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई देते हैं. सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ ऐसे भी पशु होते हैं जो क्या होते हैं, अंडे देते हैं. जैसे आप सभी जानते हैं जितने भी बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बेबीज अंडे से बाहर आते हैं. द बेबीज कम आउट ऑफ द एग, उनके बेबीज किससे बाहर आते हैं, अंडे से. जैसे फ्रॉग, फ्रॉग एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट भी अधिकतर क्या होते हैं, एग के थ्रू ही उनके बेबीज बाहर आते हैं. बर्ड्स के बेबीज भी एग के थ्रू ही बाहर आते हैं. फ्रॉग एंड टैडपोल, फ्रॉग इससे, फ्रॉग के बेबीज किससे बनते हैं, टैडपोल से बनते हैं. इसी तरह से बटरफ्लाई कैटरपिलर से बनती है कि नहीं. हैम चिकन आपने देखा है, हैम क्या होता है, मुर्गी अंडा देती है जिससे चूजे निकलते हैं. स्नेक एंड स्नेक लीड, स्नेक किससे बाहर आते हैं, स्नेक लीड से बाहर आते हैं. जैसे आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं. कुछ एनिमल्स अंडे से बाहर आते हैं. इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं और उनके क्या नेम थे. अब देखिए, अ पपी इज बॉर्न विद इट्स आईज क्लोज्ड, दे डू नॉट ओपन अंटिल अबाउट द 3 वीक. आपने देखा होगा अगर आपके घर में डॉग है या आपने आसपास देखा होगा, जब डॉग अपने बेबी जो होता है जिसे हम पपी कहते हैं, उनकी आईज जब वो जन्म लेते हैं उनकी आईज तो होती है मगर क्या होती है, उनकी आंखें बंद होती हैं.
बाद खुलती है। हाउ डू एनिमल प्रोटेक्ट एंड केयर ऑफ देयर बेबीज? क्या आपने कभी सोचा है कि किस प्रकार से एनिमल्स अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, उनकी केयर करते हैं? तो सोचिए इस तरह से बेटा आप सभी का चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कंप्लेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। और आपके घर के आसपास जो भी एनिमल्स